दोस्तों, तो आज आप लोग रिव्यू करेंगे फिल्म पोस्टमार्टम, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है जिसे अब ऑफिशियली हिंदी में डब करके रिलीज कर दिया गया है। तो अभी अपन लोग सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो फिल्म की स्टोरी सेट है 1919 के समय में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई होती है। तो वहीं से अपनी फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक थॉमस नाम का सोल्जर है जो इस वॉर में बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके बाद वो आर्मी छोड़ देता है। इसके बाद वो बन जाता है एक फोटोग्राफर जो केवल मरे हुए लोगों की ही फोटोज लेता है। तो ऐसे में उसके पास एक छोटी लड़की आती है और कुछ गांव वाले आते हैं जो कि थॉमस को बताते हैं कि उनके गांव में बहुत सारी डेड बॉडीज हैं जो कि काफी समय पहले मर चुके हैं, लेकिन जमीन बर्फ के कारण जम चुकी है। इसकी वजह से अभी तक उन लोगों को दफनाया नहीं गया और वो सब उन सबकी फोटो बनवाना चाहते हैं। थॉमस जब उनके गाँव जाता है तब उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है और गाँव वाले क्या क्या उससे छुपा रहे हैं, ये सब मिस्ट्री धीरे धीरे रिवील होती है, जिसे काफी अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। मूवी देखते समय काफी थ्रिलिंग लगती है क्योंकि मूवी को ऐसे गाँव और लोकेशन में शूट किया गया है जो कि काफी हॉरर और सुंदर भी लगती है। अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीन प्ले की तो वो थोड़ा सा स्लो है। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी खिंचा हुआ सा लगता है जिसके कारण कुछ सीन्स में बोरियत महसूस होती है, लेकिन मूवी का सेकंड हाफ काफी बढ़िया है जो आपको वापस से मूवी के साथ एंड तक बांधे रखता है। स्पेशली मूवी का लास्ट आधा घंटा बहुत ही जबरदस्त है, जिसे देखते समय डर का एहसास होता है। अगर अपने शब्दों में कहूँ तो भाई फटने लगती है। और कमजोर दिल वालों के लिए मैं यहाँ पर पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, भाई अकेले बिल्कुल मत देखना वरना फट ही जाएगी। तो खैर अभी अपन लोग एक नजर डाल लेते हैं मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे। तो देखो यार, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज है, उस लेवल का नहीं है जो सिंपल से सीन में भी हमारी धड़कने तेज कर सके। और वही प्रॉब्लम इस फिल्म के एक्टर्स के साथ भी है, बहुत ही खराब एक्टिंग की है सबने, लगभग सभी ने। देखो यार, फिल्म के लीड कैरेक्टर्स है थॉमस और एक छोटी लड़की, बच्ची के फेस पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल बनी रहती है। और यहाँ पर थॉमस का कैरेक्टर निभाया है विक्टर क्लेम ने, जो कि कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाते हैं अपनी एक्टिंग से। देखो यार, ये एक हॉरर मूवी है, इसमें आपके फेस पर वो डर टेंशन होनी चाहिए जो पब्लिक फील कर सके, लेकिन फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी भी सीन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन सब खामियों के बावजूद भी फिल्म देखने के लायक है क्योंकि स्टोरी लाइन अच्छी है और हॉरर लेवल भी काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो इस रिव्यू के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि एक अच्छी हॉरर फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई एडल्ट सीन या गाली गलौज नहीं है। तो ऐसे ही अनवॉच मूवीज के रिव्यू और उनकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।